चाबी घर की है स्कूटी के अंदर। कभी भी मम्मी बहन या गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ आओ तो कभी मत आना। गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद अच्छे होंगे। पता है ब्लॉग एक दिन छोड़ के एक आ रहा है, कोई नहीं। तो अभी मैं हम बल्लमगढ़ जा रहे हैं मेरे लिए कुर्ता पजामा देखने, और स्कूटी को भी कुछ दिखाना है। स्कूटी में भी कुछ खराबी आ रही है, तो अभी मम्मी और मेरी बहन जा रही है। कैप पहन लेता हूँ, बाल देख रहे हो कैसे खराब से हो रहे। कैप लेते फिर चलते हैं, ताल लगाते हैं, तो मिलते हैं भाई। हमने स्कूटी अभी ठीक करने को दिया, शाम तक मिलेगी। हम तब तक बल्लमगढ़ शॉपिंग करने आ गए मेरे लिए, क्योंकि मैं जाऊँगा ना मामा के। तो तभी पता नहीं मम्मी कौन सी गलियों से ले जा रही है। अरे फ़ोन से बात कर ले, छोड़ दो। पता नहीं कौन सी गलियों से ले जा रही है, वहाँ से जाना होता। अभी हम ये वाली दुकान पर आए, अभी मम्मी पीछे रेत वगैरह लगा रही है, तो मैं अभी थोड़ा बाहर आ गया, गर्मी से लग रही है। मम्मी बुला रही है एक से, अभी मम्मी रेत लगा रही है। इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है मेरी बहन की, तो अभी यहाँ पे देख रहे। गर्मी भी बहुत है ना यहाँ पे आज, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। रोज़ा रख रखा है मैंने, नहीं मम्मी और बहन ने। अभी कुर्ता पजामा तो ले लिया, वो आपको बताऊँगा क्या लिया है, मतलब देख लेना, तब मामा के घर जाऊँगा। अब तैयारी में पहनूँगा ईद पे, अभी मैं ही कंफ्यूज हूँ कब पहनूँगा। अभी बस पजामे में फिटिंग हो रही है इधर, फिटिंग होने के बाद घर जाएगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। मम्मी और बहन की तबीयत हो रही है ख़राब, बहन की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो जल्दी से हो जाए फिटिंग फिर निकले। स्कूटी तो शाम को आके लूँगा यहाँ पे, अभी ऑटो से जाएगी घर। इतने में मेरे पजामे में सिलाई हो रही है, इतने आपको बल्लमगढ़ दिखा देता हूँ। A few moments later. भाई हमारे दिमाग देखो, हम शॉपिंग में इतना मस्त हो गए। स्कूटी शाम को मिलेगी, छोड़ के आगे स्कूटी वहाँ ऑटो से बल्लमगढ़ से आगे घर, चाबी घर की स्कूटी के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ अब साना खाला के, नोनू की स्कूटी उठा के वहाँ जाऊँगा, चाबी लाऊँगा घर की, तब वापस आऊँगा। अभी नो अब साना खाला के घर जा रहा हूँ, भाग भाग के जा रहा था अभी, इसलिए सांस फूल रही है यार। चलो यार अच्छी बात है, मम्मी ने सुनाया नहीं, मेरी भी क्या गलती, हमारा ध्यान स्कूटी ठीक करवाने में था और शॉपिंग करने में था, हम वहाँ से सीधा ऑटो में बैठ के आ गए। चलो अब जाता हूँ भाग भाग की जल्दी, मम्मी और बहन बाहर खड़ी हुई है। चाबी मिल गई, अब मैं जा रहा हूँ स्कूटी में से चाबी लेने। स्कूटी लेने नहीं, उसके अंदर चाबी लेने, चाबी लेने जा रहा हूँ गाइस। A few moments later. मैं ले आया हूँ घर की चाबी। मम्मी और मेरी बहन तो बाहर इंतजार कर रही थी, कैसा लगा मम्मी? सही लगा बेटा। क्या सही लगा, बाहर इंतजार करते करते जल्दी ले आया हूँ, पर मैं 5 मिनट के अंदर अंदर बल्लमगढ़ से यहाँ घर, बहुत जल्दी ले आया। चलो अब आराम करे, थक गया है यार, गर्मी भी बहुत हो रही है। अभी मम्मी ने बेडशीट ली है, वो देख रही है मम्मी साइज बेडशीट का। पानी दे दो यार, थक गया है यार। स्कूटी शाम को मिलेगी ठीक होके, स्कूटी शाम को मिल जाए यार, जल्दी मिल जाए स्कूटी, बिना स्कूटी के कुछ नहीं है यार। गाइस इसके अंदर है मेरा कुर्ता पजामा, अभी दिखाऊँ आपको, देखोगे? चलो दिखाता हूँ, नहीं आज नहीं दिखाऊंगा, ईद वाले दिन दिखाऊंगा। अबे साले ईद पे पहनूं मम्मी या कब पहनूं? मम्मी ये कब पहनूं, ईद पे? अभी तो सोच रहा हूँ कब पहनूंगा, जब पहनूंगा आपको दिख ही जाएगा ब्लॉग में। आगे ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार मुझे, नहीं। अभी मम्मी को ले जा रहा हूँ रानू मम्मी के घर, कुछ काम है, सिलाई सही है। रानू मम्मी के घर जाते तब भी सिलाई से ही कुछ काम होता है। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे, धूप भी बहुत हो रही है, देखो हवा भी अच्छी चल रही है, धूप भी बहुत हो रही है। पर तो चलो अभी मेरी स्कूटी तो बल्लमगढ़ में ठीक हो रही है, वो तो अच्छी बात है। नोनू की स्कूटी ले आया, वो तो ज़रूरत पड़ गई थी इसलिए ले आया था। तो अभी नोनू की स्कूटी ले जा रहा हूँ रानू मम्मी के, क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है। अभी तो शाम का नहीं पता मेरी स्कूटी शाम को कैसे लेने जाऊँगा। मम्मी कपड़ा है गंदी हो रही है, ऐसे बैठ जाऊँगी।
गाइस आज पता नहीं क्या ही हो रहा है, अब हम आधे रास्ते आ गए थे, मम्मी को जो सिलवाना था वो घर पे भूल गई मम्मी, फिर वापस घर जाके आए, अब तो आगे रहा हूँ मम्मी के घर। सुबहान फरहान और सुप्यान तो यार स्कूल से, चलो ना गेट तो खुला हुआ है, देखो चल गेम की बात कर रहा है, ये तो गेम की बात करता रहता है और कुछ बात नहीं है। तेरे तीनों भैया आ गए, ये कर सकता हूँ कि आपको आपका काम नहीं चलेगा कभी भी। तो गाइस 7:30 बज रहे, मैं अभी सो के जगा हूँ, मैं सो गया था रानू मम्मी के घर से आके, तो अब मैं जा रहा हूँ नोनू की स्कूटी वापस करने क्योंकि उसको भी काम वगैरह होते हैं, तो हमारी स्कूटी 8 बजे तक मिलेगी, यही बोल रहा था, कॉल करी थी ना हमने अभी, तो 8 बजे तक कह रहा था, तो अभी 8 बजे जाएंगे, तो मैं तब तक पहले नोनू की स्कूटी दे के आ जाता हूँ, फिर यहाँ से ऑटो से जाके वहाँ से अपनी स्कूटी ले आएंगे। इतनी दूर क्यों देते हैं यार स्कूटी ठीक करने के लिए, पास नहीं दे देते। बात तो सही है। नोनू की स्कूटी देके आ गया हूँ, वहाँ से पैदल आ गया था, अब मम्मी और मैं जा रहे बल्लम घर अपने स्कूटी लेने, एक बार फोन करके पूछ लूँ मम्मी। हाँ एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ स्कूटी हुई है या नहीं, पता चले वहाँ पे जाकर खड़े हो। 8 बज गए वैसे देगा कब, रात के 10-12 बजे देगा क्या स्कूटी, चलो फोन करके पूछता हूँ, अभी मिलता हूँ। अपनी धन्नो रानी तो तैयार हो गई, सही होगी, अब लाते हैं अपनी धन्नो रानी को। चलो मम्मी बाहर की लाइट तो जला दो यार। A few moments later. गाइस बल्लमगढ़ पहुंच गए, बस स्कूटी के पास जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर में ये स्कूटी वाला, तो बस स्कूटी लेते हैं फिर घर चलते हैं यार, बिना स्कूटी के भाई कुछ नहीं है। मम्मी को उसे भी पूछो कितनी दिक्कत हुई आज बिना स्कूटी के, वो तो नोनू की स्कूटी आ गई थी इसलिए हो गया था, वरना काम सारा खराब हो जाता बिना स्कूटी के। गाइस ये रही हमारी स्कूटी एकदम तैयार हो गई है, जो खराबी थे वो कर दिए, नीचे से कुछ टूटा हुआ था वो ठीक करवाया है, बस अभी मम्मी कुछ बात कर रही है अंकल से, तो फिर चलते हैं घर लेके स्कूटी अपनी धन्नो लेके चलते घर। गाइस कभी भी मम्मी बहन या गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ आओ तो कभी मत आना, आते किसी और काम से लेने कुछ लग जाती है मम्मी। अभी तो वैसे चद्दर ले रही है घर के लिए, तब भी यार शॉपिंग वगैरह के लिए थोड़ी ना आए थे, स्कूटी के लिए आए थे, स्कूटी ले लिया है, अब देखते कितना टाइम लगता है। गाइस मम्मी यहाँ पे थी ना, मैं अभी फ़ोन चला रहा, अभी देखा कि मम्मी कहाँ गई, अब मम्मी यहाँ से ये वाली दुकान पे चली गई, अब यहाँ से पता नहीं कौन सी दुकान पे गायब हो जाएगी, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कब तक लेगी मम्मी। देखिए नानू खान ब्लॉगर आ रहे हैं, इन्होंने अभी मुझे बुलाया, अभी आया था मैं स्कूटी लेकर अपनी। यस क्या काम है? अबे मैं सोच रहा था स्कूटी दे गई नहीं, अभी स्कूटी की चाबी मंगा मेरे ऊपर से। अच्छा दे के चला गया था मैं अभी पहले ही, चलो मैं नीचे ही आ रहा हूँ अभी। ओए गेट खोलो री, दोनों बहने, भूत है कोई और नहीं है, लाओ नोनू की स्कूटी की चाबी, चलो देखते हैं कहाँ ले जाते हैं, कहाँ जाना है, कौन सा सेल? मार्सेल। अच्छा मार्सेल, मुझे लगा ये कौन सी जगह है, अच्छा स्कूटी पर सेल मारूँ, मुझे लगा ये कौन सी जगह आ गई मार्सेल, बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं, अभी तो मुझे ही नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज मैं नोनू के साथ गया था ओल्ड फरीदाबाद, मैं वहाँ पे ब्लॉग बना नहीं पाया, तो क्योंकि जल्दी आ गई इसलिए बना ही नहीं पाया, फिर अब वहाँ से आया हूँ, अभी मम्मी से पूछ रहा हूँ आज मंदिर तो जाना है, कुछ लाना है फल वगैरह, 2 दिन का और मेहमान हूँ यहाँ पे अभी, फिर मैं मामा के घर चले जाऊँगा। वैसे मम्मी का मन नहीं है ऐसा ऐसे पहुँचाने का, नहीं है मेरा मन नहीं है पहुँचाने का। चलो देखता हूँ, वैसे सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, सोच ही रहा हूँ। चलो अब जाना है मंदिर, सोच रहा तो जल्दी ड्रेस लाती है स्कूल जा, नहीं अब तो घर जाऊंगा स्कूल में, क्या कल से स्कूल, अभी घर जाऊंगा शायद, क्या करेगा इतने दिन घर में, तो पहले भी तो ईद बना के आया था, हाँ फिर 11वीं की पढ़ाई, फिर 12वीं के बहुत पेपर की पढ़ाई, फिर कॉलेज लाइफ, फिर यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगा। गाइस जल्दी फेमस करो यार, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की, देखो इन्हें अपना मोबाइल नहीं मिलता, कहाँ खो देती हो मोबाइल, पता नहीं बेटा कहाँ रख दिया।
भाई इस घर में मेरी मेरा दिमाग मम्मी पे गया है, कुछ मिलता नहीं है ना दो सेकंड के लिए भी, घबरा जाता हूँ। जल्दी आ जल्दी पहले तो जा नहीं रही थी, अब मैंने पूछा था तब जा रही। तो गाइस आज का ब्लॉग यही पैन करते हैं। यार गाइस ये देखो यार, दाने बहुत निकल रहे हैं मेरे, कुछ बता दो यार कमेंट में दाने के लिए कुछ, कि निकल जाइए एक दो दिन में। मामा के घर जा रहा हूँ, वहाँ पे सब देखे कितने दाने निकले हुए है मम्मी। चलो ट्यूब देती है ना देती है मम्मी, वो तो कल बताऊँगा। तो आज का ब्लॉग यही पैन करते हैं, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करने में ना मत जाना, बेल आइकन दबा देना जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो को आपको पता चलेगा। और कुछ रह गया मम्मी? मम्मी कह रही नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो। तो कल मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।